मानी चेयरमैन पीटीआई को भोंडे तरीके से सजाएं दी गई हैं और फैसला करते वक्त जरूरी कानूनी जाब्ते भी पूरे नहीं किए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहती हैं अवाम सच्चाई से बखूबी वाकिफ हो चुकी है। 8 फरवरी को पीटीआई के नाम से उम्मीदवार जीतेंगे। अवाम घरों से निकले और वोट डालें। वोट को इस्तेमाल करके अवाम बानी पीटीआई से इजहार यकजहती करें। तो आपको बताएं डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गैर रस्मी मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें उनका कहना था कि अवाम अब सच्चाई से बखूबी वाकिफ हो चुके हैं। 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद उम्मीदवार ही जीतेंगे। अवाम अपने घरों से निकलें और वोट जरूर डालें।